जय श्रीनाथ जी की इस वाणी के साथ मैं इस कार्यक्रम की आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं। ढूंढलोद के हीरानाथ आश्रम में इस वक्त मौजूद हूं। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आने वाले समय में यहां ढूंढलोद इस पावन धरा पे किया जा रहा है। संत श्री महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी सी उनसे चर्चाएं हैं वो करते हैं, क्योंकि बड़े कार्यक्रम का आयोजन की तैयारियां यहाँ इस आश्रम पे वर्तमान समय में चल रही है। महाराज जी जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ आपके आश्रम पे किया जा रहा है, हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आज पूरा ढूंढलोद नहीं आसपास के सेखावाटी के सभी इस आने वाली कार्यक्रम की इंतजार में है, थोड़ा सा बताइए इस कार्यक्रम के महाराज की। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय श्रीनाथ जी की। हीरानाथ शिवधाम आश्रम ढूंढलोद में 25 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक एक बहुत ही विशाल दिव्य भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। वो प्रोग्राम गुरु महाराज की बहुत बड़ी विशेष कृपा है, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सबको प्रकाशदास जी महाराज के मुख से भागवत कथा का रसपान करने को मिलेगा। तो उस प्रोग्राम का रूपरेखा जो है वो इस प्रकार बनाई हुई है कि 25 तारीख से 2 अक्टूबर तक रहेगा, उसमें 25 तारीख को कलश यात्रा रहेगी और कलश यात्रा में गणेश जी महाराज के रूप में अपने को दर्शन करने के लिए गज के दर्शन करने को मिलेंगे, हाथी के रूप में गणेश जी महाराज के दर्शन करते हैं सर, घोड़े पालकी बग्घी सब होंगे उसमें, अनेक जगहों से संत महात्मा आएंगे उनके दर्शन करने को हम सबको मिलेंगे और प्रकाशदास जी महाराज स्वयं अपने साथ में कलश यात्रा में रहेंगे भागवत कथा के साथ में। कलश यात्रा जैसे ही आश्रम में पहुंचेगी तो 21 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ रखा गया है, तो उसका विधिवत पूजा के साथ में 21 कुंडों को चेतन करके उसके तत्पश्चात भागवत कथा का हम सबको प्रकाशदास जी महाराज रसपान करवाएंगे और 1 तारीख को विशाल रात्रि जागरण होगा। उस जागरण में गुलाबनाथ जी महाराज, आकाशनाथ जी महाराज, विकासनाथ जी महाराज और भी जो आसपास के जितने संत हैं, जो भजन सम्राट हैं खासोली से, अपने चिमा बाबा, मुक्तिनाथ जी महाराज, निश्चलनाथ जी महाराज, सुंदरनाथ जी महाराज, कितने एक नाम बताऊँ आपको, सब साधु संत महाराज संप्रदाय बहुत बड़ा। हाँ, तो सब संत आएंगे, उनके सानिध्य में विशाल जागरण होगा, तो उस जागरण का भी आप सब लोग आनंद लें, संतों के मुख से जो इस शरीर को शोधने के लिए जो वाणियाँ बनी हुई हैं उन वाणियों को सुने। और 2 तारीख को जसनाथ जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी सुबह 10 बजे, उसके बाद में पूर्णावति होगी और पूर्णावति के बाद में सभी संतों की विदाई होगी। तो सब सेवक भगत जितने भी जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सब आकर के सब संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें और अपने साथ में अपने परिवार के सब जनों को लेके आएं, जो बच्चे हैं उनको भी आप लेके आओगे तो वो भी सीखेंगे सनातन परंपरा के बारे में। और 2 तारीख को संतों की विदाई होने के बाद में जो अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब मिलके ये तय करेंगे कि आगे के लिए क्या रूपरेखा बनाई जाए हर साल के प्रोग्राम के लिए। तो मैं तो सबसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि किसी के पास मैं नहीं पहुँच पाया या किसी के पास मेरा निमंत्रण नहीं पहुँच पाया तो इस वीडियो को निमंत्रण मान के आप सब लोग पधारें और इस प्रोग्राम को मान बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन है, मैं कहूँगी भजन सम्राट प्रकाशदास जी महाराज के मुखारविंद से होना है। आज थोड़ा सा टाइम टेबल बताइए ना, किस वक्त ये सब भागवत कथा का टाइम टेबल? 25 तारीख को तो कलश यात्रा है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 4 बजे तक रहेगा तो रोज का जो टाइम है कलश यात्रा वाले दिन बता दिया जाएगा, वैसे 12 से 4 है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक भागवत कथा। तो स्थानों के लिए आपने गाड़ियों के बसों की ऐसी सुविधाएं भी की आने जाने के लिए? अपने आसपास में जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, नगरपालिका हैं, वहाँ सब जगह बस की या छोटी गाड़ियाँ हैं वो सब व्यवस्था से बात करके वॉलंटियर से की गई है सबके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं किसी जगह अगर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है तो वो सूचना करेंगे तो हम गाड़ी वहां भी गाड़ी पहुंचाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ एक तपस्वी संत, एक त्यागी संत, मतलब कथा तो अपन बहुत सुनते हैं लेकिन तपस्वी संत के मुख से कथा सुनने का बहुत ही कम मौका मिलता है और वो तो ऐसे तपस्वी हैं कि चप्पल भी नहीं पहनते, कपड़े भी ज़्यादा ऐसे कोई
चमकीले कपड़े नहीं पहनते, बड़ा त्याग है उनके जीवन में। और त्यागी जो साधु होता है उसके मुख से शब्द जो निकलते हैं वो अपने आप में अमीरस है। तो ऐसी कथा, दिव्य कथा होगी, उस सब लोग सुनने के लिए आए। हम सब नवलगढ़ और आसपास वासियों के लिए भी ये बड़ा सुखद फल होगा जब साधनी यहाँ महाराज जी के मुरारबिन से ये प्रेम जो बरसेगा यहाँ। बहुत ही सुखद फल होगा, स्वर्ग का सा आनंद महसूस होगा आपको। एक भव्य जागरण का भी आयोजन लगा किया गया है, तो क्या प्रकाश दास जी महाराज जो हाँ प्रकाश दास जी महाराज तो कथा के साथ साथ में रोज ही अपने को भजन सुनाएंगे, बाकी एक दिन विशेष भी उनका कार्यक्रम रखा जाएगा, और भी सब साधु संत है उनका अलग से भी विशेष एक एक प्रोग्राम रखा जाएगा सबका। एक तारीख को तो सबका साथ में प्रोग्राम है ही, बाकी एक एक दिन का रोज भजन संध्या तो रोज ही होगी। तैयारियां यहाँ जोरों पे आश्रम पे चल रही है, महाराज श्री आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि बार जहाँ तैयारियां चल रही हैं जिस प्रकार का बच्चे इस आश्रम से जो यंग जनरेशन है, नौजवान बच्चे है, वो सब जुड़े हुए हैं। और उसका जुड़ाव का कारण यही है कि आश्रम में यहाँ उनको सुखद वातावरण महसूस मिलता है, और ऐसी कोई व्यवस्था आश्रम में नहीं है कि बाबा जी से मिलने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा या कोई पर्ची लेनी पड़ेगी या बाबा जी यहाँ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो खुली किताब है, कोई छल कपट वाला काम नहीं, इसलिए युवा प्रभावित होकर आश्रम से जुड़ता है। और युवाओं की ये सब तैयारियाँ हैं, गणमान्य लोग हैं वो तो आते ही हैं प्रोग्राम को, सब उन्हीं की वजह से तो सफल हो पाता है, लेकिन युवा सब बढ़ चढ़ के जोश के साथ में हिस्सा ले रहे हैं और ये प्रोग्राम पहुँचाए तो पहुँचाएंगे। एक बार महाराज श्री आपसे निवेदन मैं करूँगा कि उस जगह आप जहाँ तैयारियाँ चल रही है, एक बार वहाँ की तैयारियाँ हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें श्रोताओं को बताएं। महाराज श्री जिस आश्रम की चर्चाएं आज पूरे राजस्थान पूरे देश में हो रही, कहा जाता है कि एक साथ कई यहाँ शिवलिंग मौजूद है। 108 शिवलिंग यहाँ मौजूद है, गर्भगृह में भव्य हीरेश्वर महादेव विराजमान है और उनके साथ में 108 शिवलिंग विराजमान है। तो शिवलिंगों के एक साथ में 108 शिवलिंगों के दर्शन हम सबको हो पाते हैं। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं अनेक, जैसे रामेश्वरम की तरह पे बना हुआ है कि सब महादेवों के एक साथ में अपन पूजा कर सकते हैं। अलग अलग आस्थाएं हैं अपनी अपनी, लोगों के अलग अलग पूजा के विधान है अलग अलग, तो अपने अपने तरीके से सब करते हैं और सुखद पल महसूस करते हैं भगवान के चरणों में शीश नवा के। भगवत कथा के वाचन के दौरान 21 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ यहाँ होना है जहाँ मैं मौजूद हूँ इस पंडाल में, थोड़ा सा महाराज क्योंकि अभी नया बनकर शायद ये तैयार हुआ है। हाँ नया बन के तैयार हुआ है, लगभग एक साल हो गया। ये जो अपने वीरपाल जी हैं, हाँ वीरपाल जी जाकर गुडागोड जी में स्कूल चलाते हैं, उन्होंने ये सेवा की थी। मैंने कई साल से विचार चल रहे थे कि कोई सेवक भगत सेवा करेगा, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ की यज्ञशाला बन जाए, तो ये युवा आते हैं जितने भी उनको अपने धर्म के बारे में बताया जाए, तो उनको शहर स्वीकार किया उन्होंने और अपनी माँ की याद में 21 कुंडी यज्ञ बनवा के आश्रम को समर्पित किया। भी ये कार्यक्रम का आयोजन होना है इसमें भागवत कथा के दौरान, तो अभी जो कार्यक्रम आयोजन होना है वो 21 कुंडी शिव शक्ति महायज्ञ आयोजन होगा। और सबको कहना चाहूँगी कि इस आयोजन में अपने अपनी आहुतियाँ देखे विश्व शांति कल्याण के लिए, या अपने मन में जो भी राष्ट्र हित में जो आप मन में लेके बैठे हैं वो यहाँ आके भगवान को आहुति दे के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो कौन कौन यहाँ बैठ सकता है थोड़ा उसके बारे में? यज्ञ में बैठने के लिए आश्रम की तरफ से व्यवस्था दी जाएगी, इसकी कोई शुल्क नहीं है, यज्ञ में बैठने के लिए कोई शुल्क नहीं है। बस ऐसा है कि 21 कुंड है तो एक कुंड पे दो जुजमान एक साथ में बैठ सकते हैं और उनके साथ में एक विद्वान रहेंगे पंडित जी। तो अपनी व्यवस्थाएं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस हिसाब से हम व्यवस्था बनाएंगे आगे पीछे कि इनको कब बैठाना है इनको कब बैठाना है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको अगर यज्ञ में बैठना हो तो आश्रम में संपर्क कर सकते हैं आप, सुंदरनाथ जी महाराज यज्ञ की व्यवस्थाएं संभालेंगे और मैं कहूँगा कि सबको आना चाहिए, बहुत ही पुण्य का काम है। बिल्कुल उस पंडाल की तरफ चलते हैं जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का वाचन है वो होना है। श्रीमद् भागवत कथा के वाचन के दौरान जो भी श्रोता यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की हैं, महिलाओं के लिए अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है बैठने के लिए और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं की है कि स्टेज यहाँ तैयार जो अभी चल रहा है, हमारा सिर्फ वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, बारिश भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भागवत में। हाँ नहीं, कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अभी जो गर्मी बारिश का सीजन लगभग जा चुका है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है वापस, तो उसको ध्यान में रखते
अगर बारिश आए तो भी ये वाटरप्रूफ बनाया हुआ है, और अभी इसका काम चल रहा है पूरा तैयार नहीं, और सामने स्टेज बनेगा और कूलरों की व्यवस्था होगी। सुजानगढ़ का टेंट है, ऊपर भी देखो पंखे वगैरह झूमर वगैरह सब लगा रखे है, डेकोरेशन अभी भी चल रही है, बहुत शानदार व्यवस्थाएं देंगे अपनी सबको। और एक साइड में महिलाओं की व्यवस्था होगी, एक साइड में पुरुषों की, बीच से रेलिंग होगी, और स्टेज भी बहुत सुंदर स्टेज बनेगा, अच्छा वाचन होगा। अच्छा, अंतिम समय हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, जो क्योंकि एक दो दिन में शुरू, दो दिन में शुरू होने वाली है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक बार पुनः कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका कि आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, आप सब इसको निमंत्रण मान के और ये अपना प्रोग्राम मान के आश्रम के सेवक के रूप में अपने भाव ऐसे लेके आए कि मैं आश्रम का ही सेवक हूँ, और आप सब इस कथा में रसपान करें, आश्रम का तन मन धन से सहयोग करें, ताकि ये प्रोग्राम कोई मेरे व्यक्ति विशेष का नहीं है, नहीं ही कोई धनोपार्जन करने का ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो अपने सनातन संस्कृति में जो विकृतियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए, जो यंग जनरेशन है उनको खींच ला के यहाँ ला के, उनको अच्छी अच्छी बातें बता के, कथा का रसपान करवा के, यज्ञ में बैठा के अपन उनको सही दिशा दे सकते हैं। ये प्रोग्राम समाज के लिए ही है, और सारा समाज, मुझे विश्वास है, सब बढ़ चढ़ के सब आएंगे और इस प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान कई प्रकार की झांकियां भी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक भव्य जागरण का भी आयोजन है, वो भी किया जाना है। जय श्री राम। ये सब माता बहनें, सब पुरुष ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए, पुण्य लाभ कमाएं, और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक ढूंढलोद एक तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े धार्मिक प्रोग्राम आयोजन यहाँ पे होते रहते हैं, और ये सबका सौभाग्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सब पधारें, अपना कीमती समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।